हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे कुछ महंगे प्लांट शेयर करने वाली हूँ जो कटिंग से इस टाइम पे लग जाएंगे। तो देखिए, ये है स्पाइडर प्लांट। देखिए फ्रेंड्स, ये प्लांट के रनर निकलते हैं इस तरह से, छोटे छोटे बेबी प्लांट। इनको हम काट कर इस टाइम पे मिट्टी में या पानी में लगा लेंगे तो बहुत ही आसानी से इस प्लांट की जड़ें निकल जाएंगी और आने वाले में टाइम में आपका खूबसूरत प्लांट बनके रेडी हो जाएगा। तो ज़रूर से कहीं से भी अगर इस प्लांट के रनर मिलते हैं आपको इस तरह से छोटे छोटे बेबी प्लांट, तो ज़रूर से ला के अपने गार्डन में इस प्लांट को ऐड कीजिए और एक से अनेक बना लीजिए। अगला प्लांट है पर्पल हार्ट। फ्रेंड्स, इस प्लांट पर छोटे छोटे फ्लावर्स भी आते हैं जो बहुत खूबसूरत लगते हैं और ये प्लांट कटिंग से काफ़ी इजीली ग्रो हो जाता है। एक से कई प्लांट हम इस टाइम पे इस प्लांट से बना सकते हैं। इंडोर गार्डन में ये प्लांट समर में बहुत ही खूबसूरत लगता है, एक कलरफुल लुक देता है हमारे इंडोर गार्डन को। और फ्रेंड्स, इसी सीरीज में अगला प्लांट है जेट प्लांट। शुभ प्लांट है फ्रेंड्स, इसकी कटिंग भी काफ़ी ईजिली लग जाएगी इस टाइम पे, तो ज़रूर से ऐड कीजिए जेट प्लांट को अपने गार्डन में। अगला प्लांट है फ्रेंड्स, सुंदर सी पत्तियों वाला बेबी सनरोज। जब इस पे छोटे छोटे रेड कलर के फ्लावर्स भी आते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। कटिंग से काफ़ी ईजिली ग्रो हो जाता है ये बेबी सनरोज का प्लांट, तो इस टाइम पर आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। अगला प्लांट है पोथोस मनी प्लांट। फ्रेंड्स, इस प्लांट की कई वैरायटीज़ आ जाती हैं और लगभग सारी ही वैरायटी कटिंग से ईजिली ग्रो होती हैं, तो ज़रूर से ऐड कीजिए। अगर आपने अभी तक अपने गार्डन में पोथोस को ऐड नहीं किया है, मनी प्लांट को ऐड नहीं किया है, तो ज़रूर से ऐड कीजिए इस शुभ प्लांट को आपके गार्डन में। और फ्रेंड्स, अगला प्लांट है डेफन बीजिया। खूबसूरत पत्तियों वाला ये प्लांट फ्रेंड्स कटिंग से काफ़ी ईजिली ग्रो हो जाता है, नर्सरीज में बहुत महंगा मिलता है, तो इस प्लांट की कटिंग आपको कहीं से मिलती है तो ज़रूर से लगा लीजिए। काफ़ी ईजी टू प्रोपोगेट और कम पानी में चलने वाला ये प्लांट ज़रूर ऐड कीजिए अपने गार्डन में। अगला प्लांट है अरेलिया का। अरेलिया का प्लांट भी बहुत खूबसूरत लीव्स वाला एक प्लांट है और कटिंग से ईजिली ग्रो हो जाता है, तो ज़रूर से इसकी कटिंग भी लगा लीजिए। अगला प्लांट है फ्रेंड्स फाइकस। फाइकस की जो दो तीन वैरायटियां आती हैं उनमें से ये एक वैरायटी है जो बिल्कुल फ्लावर्स की तरह लगती है, तो इसकी कटिंग भी इस टाइम पे लग जाएगी। और फ्रेंड्स, अगला प्लांट है बहुत ही सुंदर पत्तियों वाला, ये है कोलियस। कोलियस की कटिंग्स भी काफ़ी ईजिली लगती है, अगर इसकी कटिंग आप टाइम टाइम पर लगाते रहते हैं तो कभी भी आपके घर से ये प्लांट जाता नहीं है। और अपनी देखिए, इसकी पत्तियाँ ही इतनी खूबसूरत होती हैं कि फ्लावर को भी टक्कर मारती हैं। अगला प्लांट है फ्रेंड्स क्रोटोन का। इसकी भी ब्यूटीफुल लीव्स वाला ये प्लांट बहुत ही सुंदर लगता है समर में इंडोर गार्डन में, तो इसकी कटिंग भी आप लगा सकते हैं। अगला प्लांट है फ्रेंड्स ड्रेशिना का। ड्रेशिना का प्लांट भी काफ़ी इजी टू प्रोपोगेट है, कटिंग से काफ़ी इजीली लग जाता है। छोटी सी एक डंडी लगा देंगे तो ये प्लांट काफ़ी इजीली ग्रो हो जाएगा। मैंने अपने गार्डन में इस प्लांट की दो तीन जगह कटिंग्स लगाई थी जो इस टाइम पे हेल्दी प्लांट बन के रेडी हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें भी दो तीन वैरायटीज आ जाती है, तो देखिए ये भी एक ड्रेशिना की वैरायटी है, तो बहुत ही खूबसूरत लीव्स वाला ये प्लांट कटिंग से ईजिली ग्रो हो जाता है, तो ज़रूर से ऐड कीजिए। इंडोर गार्डन में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ऐसी पत्तियों वाले प्लांट। अगला प्लांट है फ्रेंड्स सॉन्ग ऑफ इंडिया का। इस प्लांट को भी हम कटिंग से काफ़ी ईजिली ग्रो कर सकते हैं, इंडोर गार्डन में बहुत ही खूबसूरत लगता है ये प्लांट। तो फ्रेंड्स, इसकी जो ग्रीन, लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन कलर की पत्तियां किसी फ्लावरिंग प्लांट से कम नहीं लगती हैं। और अगला प्लांट है स्वीट पोटैटो वाइन। स्वीट पोटैटो वाइन में भी फ्रेंड्स काफ़ी वैरायटीज आ जाती है और काफ़ी कलरफुल लुक में ये प्लांट देखने को मिलते हैं, तो देखिए ये भी एक स्वीट पोटैटो वाइन की वैरायटी है जो बहुत ही खूबसूरत लगती है। और इसमें भी मेरे घर में भी मैंने मेरे गार्डन में भी तीन चार वैरायटीज़ स्वीट पोटैटो वाइन की लगा रखी है जो कटिंग से काफ़ी ईजिली ग्रो हो जाती है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी कलर वैरायटी में ये प्लांट मिल जाता है और समर में इंडोर गार्डन में काफ़ी खूबसूरत लगने वाला ये प्लांट कई बार रोड साइड पे भी हमें देखने को मिलता है, तो देखिए ये रोड साइड से लाके मैंने मेरी गार्डन में इन कटिंग्स को ऐड किया है और अब देखिए बहुत ही खूबसूरत प्लांट बन के रेडी हो गए हैं। तो सुंदर सा दिखने वाले इस प्लांट को ज़रूर से ऐड कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, इसके आगे का प्लांट है वंडरिंग जू। इस प्लांट को भी आप काफ़ी ईजिली कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, हैंगिंग बास्केट में काफ़ी खूबसूरत लगता है ये प्लांट। फ्रेंड्स, जो मैंने आज आपके साथ में प्लांट शेयर किए हैं, कलरफुल प्लांट जो हम नर्सरीज में लेने जाते हैं तो कई बार महंगे मिलते हैं, तो इन प्लांट्स को हम कटिंग से काफ़ी ईजिली ग्रो कर सकते हैं और अपने समर गार्डन को कलरफुल बना के रख सकते हैं। तो इंडोर गार्डन में ये खूबसूरत प्लांट ज़रूर से ऐड कीजिए। तो ओके फ्रेंड्स, बाय, मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में। हैप्पी गार्डनिंग, गो ग्रीन फ्रेंड्स।